तो यार एक्शन एनिमे देखना सबको पसंद है एंड उससे रिलेटेड काफी सारे यूट्यूब पे कंटेंट भी मिल जाते हैं। बट यार लोगों को पसंद है रोमांटिक एनिमे भी देखना, बट रोमांटिक एनिमे से रिलेटेड ज्यादातर कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल ही नहीं है। तो यार उन लोगों के लिए लाया हूँ मैं इस वीडियो में टॉप 5 ऐसे लिस्ट जिसके अंदर तुम लोगों को एक्शन के साथ साथ भर भर के रोमांस देखने को मिलेगा और वो बॉलीवुड से बहुत ज्यादा बढ़के होने वाला है। तो वीडियो को पूरी देखना एंड तक, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें लिस्ट पसंद ही आएगी। तो स्वागत है तुम लोगों का EDY मूवीज में और वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यार लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा रेंट अ गर्लफ्रेंड नाम की सीरीज एनिमे, सॉरी मैं भूल जाता हूँ कि मैं किससे रिलेटेड कंटेंट बना रहा हूँ। तो यार हमारा पहला जो इसमें कैरेक्टर होता है भाई, वो एक्चुअली उसका एक अपनी बंदी से ब्रेकअप हो जाता है एंड उसके बाद वो कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा होता है, बट उसकी शक्ल एंड उसके हरकतों से उसे लगता नहीं कि मैं बना पाऊंगा। बट उसे एक ऐप के बारे में पता लगता है जिसमें गर्लफ्रेंड को रेंट किया जा सकता है। तो यार इसी से रिलेटेड ये सारी सीरीज है एंड उसमें वो एक बंदी को रेंट करता है एंड कैसे इनकी केमिस्ट्री आगे बढ़ती है, काफी फनी टाइप का भी एनिमे है, काफी रोमांटिक टाइप का भी एनिमे है। दो सीजन आ चुके हैं एंड सारे में 12 से ऊपर ही एपिसोड्स होंगे दोनों सीजन में और 25 से 30 मिनट्स का रन टाइम मिल जाएगा। IMDb रेटिंग भी 7.2 आउट ऑफ 10 की मिल जाती है। एनिमेशन लेवल भी अच्छा है और सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी बेस्ट है। तो इस एनिमे को जरूर से चेकआउट करना, काफी अच्छा एनिमे है। नेक्स्ट लिस्ट में आता है हमारा योर नेम। अब यार मैंने इसे बिगनर्स वाली लिस्ट में भी सजेस्ट करा था, तो अगर तुम्हें ये नहीं पता कि बिगनर्स के लिए एनिमे कौन सा देखना चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना। एक्शन एनिमे का देखना चाहते हो लिस्ट तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर लेना। तो योर नेम भी अच्छा खासा रोमांटिक टाइप के एनिमे है एंड यहाँ पे हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक लड़के की और एक लड़की की, जहाँ पे उन लोगों को नहीं पता रहता कि हमारे साथ क्या कन्फ्यूजन चल रहा है। कभी वो उसके शरीर में घुस जाता है, कभी वो उसके शरीर में घुस जाता है, ऐसा उन लोगों को लग रहा होता है एंड वो लोग उन्हें एक दूसरे को सपने में देख रहे होते हैं। बट उस लड़के को पता लगता है कि जिस लड़की को मैं सपने में देख रहा था एंड मैं उसके शरीर में जाके उसकी लाइफ जीता था रात को एंड दिन में वो मेरे साथ रहती थी, वो तो एक्चुअली में 5 साल पहले ही मर चुकी है। तो उनके साथ ये क्या चीज हो रही होती वो उन्हें पता नहीं होता। तो यही चीज आपको जानने के लिए देखनी पड़ेगी इस एनिमे सीरीज को। एनिमे की क्वालिटी और भाई एनिमेशन ग्राफिक्स लेवल सब कुछ इतना ऊपर लेवल का बनाया गया ना, वैसे तो 2016 का एनिमे है बट यार इतना टॉप नॉच एनिमे, बाय गॉड मुझे नहीं लगता कि इसे कोई बीट कर पाएगा 2022 का भी एनिमे। तो यार अगर तुम लोगों को रोमांटिक टाइप एनिमे देखना है एंड काफी ज्यादा थ्रिलर टाइप और बेस्ट एनिमेशन ग्राफिक वाला एनिमे देखना है तो इसे जरूर से देखो। 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिल जाती है, बहुत ही अच्छी खासी रेटिंग है और बहुत ही अच्छा खासा एनिमेशन लेवल भी है, तो इस एनिमे को भी जरूर से चेकआउट करना। अब नेक्स्ट एनिमे आता है माय सेनपाई इज अननोइंग। अब यार ये एनिमे है एक छोटी सी लड़की के ऊपर, मतलब उसका ग्रेजुएशन तो हो जाता है बट उसका हाइट काफी छोटी रह जाती है, तो उसका एक जो सुपरवाइजर होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, ह्यूज होता है एंड ये दोनों के बीच में काफी अच्छी केमिस्ट्री बन जाती है एंड साइड कैरेक्टर्स भी दिखाए गए हैं जैसे साकुरा है और भी काफी सारी लड़कियां वगैरह दिखाई गई हैं, उनके बीच में भी काफी अच्छी केमिस्ट्री रहती है। थोड़ी बहुत हमें थोड़ा बहुत अच्छी चीजें सीन्स भी देखने को मिलते हैं और रोमांटिक एनिमे भी है ये, तो काफी सारे फनी सीन्स भी देखने को मिलते हैं हमें इसमें, जरूर से चेकआउट करना। काफी अच्छी ही रेटिंग मिलती है इसको भी, 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है। एनिमेशन लेवल भी बहुत ऑसम है एंड उमर वगैरह सब टोटल मिला के काफी अच्छा एनिमे बन जाता है, तो इस एनिमे को भी जरूर से चेकआउट करना, काफी अच्छा एनिमे देखने को मिलता है। चौथे नंबर पे आता है माय ड्रेसअप डार्लिंग। अब जैसा इसका नाम है वैसे इस एनिमे में काम है ड्रेसेस से रिलेटेड। ये एनिमे एक्चुअली एक लड़की होती है जिसका नाम मरीन के तगावा होता है एंड गोजो नाम का एक लड़का होता है, नहीं वो गोजो वाला नहीं, दूसरा एनिमे गोजो वाला नहीं, ये वाला गोजो है। तो इसमें होता क्या है एग्जैक्टली कि एक लड़की होती है जिसे ड्रेसेस बनाने का बहुत शौक होता है पर उससे अच्छी सी ड्रेस बनाई नहीं जाती एंड उसे कॉस्प्लेस का बहुत शौक रहता है। फिर उसे पता लगता है कि एक अंडररेटेड सा लड़का है हमारी क्लास में जो किसी से नहीं बोलता है, वो अच्छी खासी ड्रेसेस बनाता है, फिर वो उससे दोस्ती कर लेती है एंड इनकी केमिस्ट्री काफी ज्यादा आगे बढ़ती जाती है इसी तरह से। अगर आप लोगों को ये एनिमे इंटरेस्टिंग लग रहा होगा तो जरूर से देखना, पहले एपिसोड से ही मजा आना शुरू हो जाता है, रोमांस दिखना में शुरू हो जाता है। काफी अच्छा एनिमे है, 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है। एनिमेशन लेवल भी काफी सही है, एनिमेशन जो है ग्राफिक्स वगैरह सब काफी मस्त है, तो इस एनिमे को भी जरूर से चेकआउट करना, काफी ही ज्यादा मस्त एनिमे देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट एनिमे आता है हमारा 5th, डार्लिंग इन द फ्रैंक्स। अब ये वाला एनिमे है ये थोड़ा एक्शन भी है, एक्शन से रिलेटेड भी है एंड काफी अच्छा खासा रोमांटिक एनिमे भी है। यहाँ पे एक लड़की होती है जो आई थिंक दूसरे प्लेनेट से होती है एंड ये कहानी भी हमें दूसरे प्लेनेट की ही दिखाई जाती है। यहाँ पे अजीब सी एरोप्लेन जैसे दिखने वाली चीजें होती है, मतलब रोबोट सी चीजें, उन्हें चलाने के लिए दो पार्टनर्स चाहिए होते हैं, एक लड़का एक लड़की, और हमारा एक जो लड़का होता है वो एबल नहीं होता कोई भी पायलट मतलब कोई भी चीजें चलाने के लिए एंड एक सबसे पावरफुल प्लेन होता है उन सब में जो कोई भी नहीं चला रहा होता, लेकिन एक टाइम पे वो उस लड़की के साथ मिलके वो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो कोई भी एरोप्लेन नहीं चला पाता मतलब रोबोट नहीं चला पाता, वो उस बड़े वाले
और उसको चला देता है। अब वो कैसे चलाता है एंड के बीच की केमिस्ट्री या कैसे आगे बढ़ रही होती है, ये सब देखने के लिए तुम्हें वो एनिमे देखना ही पड़ेगा। ये एनिमे भी काफी अच्छा है, एनिमेशन लेवल भी ठीक ठाक ही है, 7.4/10 की रेटिंग मिलेगी, बट रोमांस तो नेक्स्ट लेवल है, तो जरूर से चेकआउट करना, वीडियो नेक्स्ट लेवल मिलने वाली है, मतलब एनिमे नेक्स्ट लेवल है। तो ये थी हमारे टॉप 5 एनिमे की लिस्ट जो कि रोमांटिक एनिमे थे। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, लिस्ट भी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने रोमांटिक दोस्त के साथ, या फिर अपनी बंदी के साथ शेयर कर देना, या फिर अपने बंदे के साथ शेयर कर देना। एंड इसी तरह की रिकमेंडेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड अगर एक्शन एनिमे देखने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।